वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय भी कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ और हमारी वीडियोस भी देख रहे होंगे। तो ये ब्लॉग हमारा बहुत ही अच्छा ब्लॉग, बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉग है, महाशिवरात्रि स्पेशल ब्लॉग है। तो हमारे मंदिर से स्टार्ट हो रहा है ये ब्लॉग, तो सभी भगवान जी को प्रणाम कर लीजिए आप लोग भी। और हमारे यहाँ रुद्राभिषेक हुआ था, तो पूरी वीडियो देखिएगा कैसे कैसे रुद्राभिषेक का पूजा हुआ था हमारे घर में, ये सारा आपको देखने को मिलेगा। और ये हम जा रहे थे शिवलिंग भगवान मतलब शंकर भगवान का पूजा करने, तो जो जल चढ़ाते थे सारी सामग्री हम डाल रहे थे इसमें। और पंडित बाबा जी आए थे रुद्राभिषेक की पूजा करवाने, तो ये आपको देखने को मिलेगा पूरी वीडियो में। तो बहुत अच्छा लगा था, बहुत मस्ती भी हुआ था हम सब की, और मतलब अच्छा लगा था बस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, प्यार सपोर्ट दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा। और बस मैं आपकी अपनी शिप्रा और अब जा रही हूँ जल चढ़ाने में भगवान जी का। तो ये रहे हमारे भोले बाबा जी, जिनको मैं पहले टीका लगाई, उसके बाद जल चढ़ाई, जल मैंने दो बार चढ़ाया था। और फिर आगे का पूजा आप देखिए कैसे कैसे हुआ। और ये रहा हमारा मंदिर जहाँ हम भगवान जी को टीका लगा रहे हैं, जल चढ़ाने के बाद टीका लगाना था, उसके बाद अगरबत्ती वगैरह दिखाना है, दिया ऑलरेडी मम्मा ने जला दिया था हमारी। तो यहाँ से चलिए शिवलिंग की पूजा कैसे कैसे तैयारी हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ सब आपको देखने को मिलेगा। ये हमारे भाई सब इकट्ठा किए थे, और ये हमारे छोटे भाई हैं। पूजा में बहुत सारा सामग्री लगा था, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। और ये हमारी मम्मी हैं जो सब्जियां काट रही हैं, भिंडी बनेगा आज हमारे यहाँ महाशिवरात्रि के दिन। और ये है फल, मतलब फल कर फरहार था वो, और हम लोग नमकीन और मटर खाए। हमारी बिटिया मंदिर पे टीका लगवा के आई, और ये फलहारी था, और खाना काजू सेंधा नमक का था वो, और चाय था, और मटर था, नमकीन था। तो चलिए पूजा यहीं से स्टार्ट है हमारा, हम लोगों ने खा पी लिया और यहाँ से पूजा स्टार्ट। मम्मी हमारी सारा पूजा का इकट्ठा कर रही है, और ये बेलपत्र था, मैं गिन रही थी, काउंट कर रही थी कितना, क्योंकि 108 बेलपत्र कहा जाता है लगता है महाशिवरात्रि के दिन, तो वो सारा मैं काउंट कर रही थी। तो ये रहा सारा बेलपत्र, काउंट कर लिया था। पूजा की चीज़ें यहाँ रख दी गई है, सारी चीज़ें, फूल वगैरह हर चीज़, मतलब मम्मी यहाँ मतलब और सब चीज़ें कर रही थी। ये लड्डू था छोटा छोटा, मम्मी बनाई थी खुद के हाथों से, देखिए कैसे बना रही है फटाफट सा। और बस फिर हस्बैंड आए और बोले हस्बैंड की जरा फल वल दे दो मुझे खाने को, तो मैं पपाया काट रही थी, और ये वाटर मिलन था, सॉरी वाटर मिलन है क्या क्या कहा जाता है मुझे नहीं पता, और सारे पत्तों पे राम राम लिखना था, तो मैं राम राम लिख रही थी। पंडित बाबा लोग भी आ गए थे, हमारी बहन जी आटा गूंथ रहे, मतलब आटा नहीं वो गोल गोल कुछ बनता है, आपको देखने को मिलेगा इस आटे का क्या बन रहा है। तो ये राम राम मैं लिख रही थी सारे पत्तों पर, बेलपत्र पर एक एक पत्तों पे लिखना पड़ा था, मुझे बड़ा मजा आया था। और नैन्सी भी कुछ काम कर रही थी, मेरी बहन छोटी वाली, और हमारे हस्बैंड यहाँ बैठ के रील्स के लिए वीडियो बना रहे थे। और ये देखिए उस आंटी का क्या बना रहा है भगवान, मतलब बाबा जी, भगवान भोलेनाथ को बनाए थे, पूरा आपको देखने को मिलेगा, लास्ट तक देखिएगा आपको पता चलेगा। ये देखिए तो शिवलिंग तैयार हो गई, आगे आगे ये रहा शिवलिंग तैयार हो गई शिवलिंग, और अभी इसमें बहुत कुछ बनेगा, तो लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। पूरा महाशिवरात्रि का मतलब इसमें है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ से क्या क्या स्टार्ट होता है, हमारी वीडियो आपको देखिए क्या बोल रही हूँ। कोई बात नहीं, देखिए बाबा कैसे आप बना रहे हैं, अभी जब आपके पास पीरियड काफी बनाएगा, ओके ऐसे अच्छा ठीक है। आपको तो आता ना ड्राइंग, हां आप बहुत सुंदर बना रहे हैं, ठीक है बनाना है। आपके लिए जरा बैठ के काम कर रहे हैं, मुझे करवाने दे। अच्छा कोई बात नहीं, तो ये देखिए शिवलिंग रेडी हो गया, गणेश भगवान को रेडी करना है। यहाँ मेरा राम राम अभी चल रहा है, क्योंकि 108 पत्तों पे लिखना था मुझे, तो मेरे सारे पत्तों पे लिख चुका था लगभग, थोड़े बहुत पत्ते बाकी थे। देखिए राम एकदम पूरा क्लियर दिखा, और ये देखिए उन आटों से क्या बना दिया बाबा जी ने, नंदी बाबा को, भोले बाबा को, शंकर भगवान को, सबको बना दिया, और इस तरह से आस्था कर दिए हैं। और ये देखिए पूरे पूजा का सामग्री, पूजा नहीं उसमें नहीं, नहीं, नहीं करना है, उसमें नहीं करना है। मैं करके दे दूँ। नहीं कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु अयोध्या मथुरा माया
राशि कांचे अवंतिका पुरी द्वारावती चैव ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम पवित्रस्तो वैश्वव्य सवितुरव प्रसवावृत पुण्यामचित्रेण पवित्रदे पवित्रपदे पवित्रभूतस्त जटकाम पुनः तक्षकेयाम् अपने ऊपर जल छिड़की पवित्र सर्वावसांगतक्षके अम्मा हाथ भी जल ओम दिव्याय नमः वसुंधराय निधीनां त्वा निधिपति गंगावामाय वसो ममयावसागमेन्निय वज्रं गणेभिसृणीयामदेव वज्रं वसैमाक्षभिरजत्सु शान्तिरभवतु अच्छतेषु पुष्पं पुष्पेषु मम दिखा अरे दादी मेरे आपके सुंदर कांड हो जाए हस्तक्षालनं ओम तिक्षसिंह चतुष्पादं शिववाय जटाकलापं गतिसान्तमयम् कामधेनु समुत्पन्नादे ग्रामकृतं विमुच्य कृतमस्यायुवै घृतस्नानान्ते शुद्धोदकजलेष्णानं समर्पयामि मातृना दिव्या अस्मार्थं प्रतिक्रीडाय च नमः शिवाय सरस्वतीमभियन्ते सत्रोदसा सरस्वती तु पञ्चदासो देशे पुनर्जलमाचमन्यं समर्पयामि श्रीशाम्बसदा पृष्ठे रुद्राय बेलपत्र चादे ओम शिवार्पणम् बड़ा अच्छा लगा Hola.